हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 28 फैब है और कल 1 मार्च है। तो कल महाशिवरात्रि है, तो आप सबको मेरी ओर से हैप्पी महाशिवरात्रि। और जब तक ये ब्लॉग अपडेट हो जाएगा तब तक पूजा भी हो जाएगी सबकी, तो मेरी ओर से सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। तो गाइस, ये ब्लॉग आज से कंटिन्यू रहेगा कल तक, कल शाम तक, जब तक मेरा फास्ट नहीं खुलता है तब तक ये ब्लॉग कंटिन्यू ही रहेगा। और मैं कहाँ जाती हूँ, दर्शन करने जाती हूँ मंदिर, मैं आप सबको वो दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इस फेस्टिवल हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी अच्छा एक फंक्शन हो, मैं उसमें हमेशा मेहंदी लगाती हूँ। तो मैं अपने हाथों में खुद मेहंदी लगाने वाली हूँ। वैसे मुझे इतना आता नहीं है मेहंदी लगाना, फिर भी मैं ऐसी नॉर्मल शगुन के लिए मैं लगाऊंगी। अभी कुछ देर बाद पूजा का सामान आने वाला है, तो क्या क्या सामान मैंने लिया है मैं आपसे शेयर करूंगी। तब तक मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और ताकि सूख जाए, है ना। और आप सबको मेरी ओर से हैप्पी महाशिवरात्रि और लेट्स गो एंड कंटिन्यू द ब्लॉग। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगा लिया है और ये रहा। कैसा लगा सिंपल मेहंदी? कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, देख सकते हैं मैंने मिठाई लिया है, बेर लिया है, केले, कुछ पूजा के सामान, ऑयल, और यहाँ पे है चंदन वंदन और कुमकुम और फूल। हेलो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मंदिर जाते हैं और मंदिर का आपको लुक दिखाते हैं। लेट्स गो, बम बम बोले। हम लोग अभी मंदिर पहुँच गए हैं तो पूजा करते हैं। तो अभी हमारी पूजा हो गई है, तो वहाँ पे बहुत भीड़ था इसलिए मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो अभी हम जा रहे हैं दक्ष मंदिर, तो वहाँ का दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितनी लाइन है यहाँ पे। वो देखो, लाइन ही लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइन। हम आ गए हैं दक्ष मंदिर और देख सकते हैं कितनी लाइन लगी है यहाँ पे। देख, बहुत भीड़ है। अच्छा, चलो उधर हनुमान जी के मंदिर दर्शन करते हैं। ये है दक्ष मंदिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भक्तों की कितनी भीड़ है इधर और पूरी लाइन लगी हुई है इधर। तो ये देखिए, तो बहुत देख सकते हैं लाइन। ये देखो भक्तों की भीड़ है, भीड़ और ये। हम भी चलते हैं दर्शन करते हैं। तो हनुमान जी के दर्शन भी हो गए हैं और
और शिव जी के दर्शन तो सुबह हो गए थे, बट वहाँ पे मैं कोई भी शॉट नहीं ले पाई क्योंकि बहुत भीड़ था। और आज हम दक्ष मंदिर आए हैं और यहाँ पर भी देखो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो देख यहाँ पे इतनी भीड़ है कि आप मैं क्या बोलूँ। यहाँ इतनी भीड़ हो रही है कि क्या बोलूँ। और नीचे देखो फिसलन है, तो दर्शन भी हो गए। आज बस चारों तरफ भीड़ ही भीड़ आपको मिलेगी देखने को, और यही है सारा। यहाँ पे तो चलने का रास्ता भी नहीं है, बहुत भीड़ है। चलते हैं, हो गया दर्शन और तो ये शिव जी हैं और सती माता को लेके जा रहे हैं दक्ष। लड़के यही हो गए हैं और हम लोग अब घर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी भीड़ है, लाइन लगी हुई है। आज का दर्शन हो गया है, आज मेरा फास्ट है तो अभी ब्लॉग एंड नहीं होगा, शाम को ही एंड होगा, तो टू बी कंटिन्यू। तो अभी हम लोग घर पहुँचे हैं, अभी जस्ट घर पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ था और बहुत भीड़ था आज, तो बस प्रसाद बनेगा और फिर पूजा करूँगी और वही मेरा आज का दिन होगा। okay. देखिए मेरा पूजा का पहला पूरी फूल गया, देखिए प्रसाद। तो प्रसाद मेरा बन गया है और अभी मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद प्रसाद चढ़ाती हूँ, फिर आपको दिखा। मेरा पूजा हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्रसाद का थाली। ये है मेरा प्रसाद का थाली, मैंने बनाया है हलवा, मिठाई ऑलरेडी था, बेर है, केले, और मैंने केले की पूरी बनाई है। तो ये है मेरा आज का प्रसाद का थाली, कैसा लगा ज़रूर बताना। तो गाइज़ ये मेरा शिवरात्रि का ब्लॉग था और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं अपना व्रत खोलने वाली हूँ, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। और गाइज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और जो भी मेरे चैनल को देखता है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और प्लीज़ सपोर्ट करना, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और आपको कैसा लगा मेरा महाशिवरात्रि का ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरा महाशिवरात्रि का ये एक छोटा सा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट #फिकू। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं बहुत जल्द फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बम बम बोले।